विश्व प्रसिद्ध नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क विश्व धरोहर फूलों की घाटी गुरुवार यानी 1 जून से सैलानियों के लिए खुल जाएगी। इस बार फूलों की घाटी में लगातार मौसम बदल रहा है, बारिश और बर्फबारी से फूलों के खिलने का समय भी बदल गया है। हालांकि अभी फूलों की घाटी में 4 से 5 प्रकार के प्रजाति के फूल खिल चुके हैं, जिन्हें देखने के लिए पहले ही 4 से 5 विदेशी मेहमान भी पहुँच चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ वन विभाग ने मौसम विभाग के अलर्ट को देखते हुए डेंजर जोन पर वन कर्मियों को तैनात कर दिया है। वहीं वन विभाग के अधिकारी का कहना है कि इस बार फूलों की घाटी में 15 जून से पर्यटकों को पल पल की जानकारी वेबसाइट के माध्यम से दी जाएगी और उन्हें SMS के माध्यम से सटीक जानकारी मिल पाएगी। वहीं उन्होंने कहा कि इस बार मौसम की मार का साथ फूलों की घाटी पर भी देखने को मिल रहा है। फूलों का जो 15 दिन खिलने का समय होता था, वो इस बार 15 दिन पीछे चला गया है और अभी भी फूलों की घाटी में लगातार बारिश हो रही है, जिस कारण थोड़ी सी परेशानी का सामना लोगों को करना पड़ सकता है। हमने फूलों की घाटी जो है वो 1 जून से आधिकारिक रूप से खुलती है और 31 अक्टूबर तक ओपन रहती है। इस बार हमने नए नए जो इन्फॉर्मेशन बोर्ड हैं वहाँ पर लगाए गए हैं, जिसमें फूलों के संबंध में किस माह खुलते हैं और किस माह खिलते हैं और कहाँ पे पाए जाते हैं, इसके विषय में जानकारी दी जा रही है। दूसरी चीज़ यह है कि यहाँ पर जो हमारा रास्ता है उस पर हम इस बार डेंजर पॉइंट पर अपने स्टाफ को तैनात कर रहे हैं, जो कि या पर्यटकों को आवागमन में सुविधा प्रदान करेंगे, किसी भी खतरे की स्थिति में सूचित कर पाएंगे। तीसरी चीज़ यह है कि इस बार हम वैली ऑफ फ्लावर में वेबसाइट का स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिस पर ऑनलाइन बुकिंग और अन्य प्रावधान हम उसमें करेंगे, जिससे कि पर्यटकों को सुविधा बनी रहे। सर, मौसम को लेकर भी एक वन विभाग मौसम के मामले में इस बार अप्रैल और मई में बर्फबारी हुई, जिस कारण जो फूलों की प्रजातियां हैं वो लेट खिली हैं। तो और दूसरे जो आपका प्रश्न है कि मौसम के बारे में, तो मौसम जैसे जैसे मौसम के चेतावनी आती है उस विषय में हम हर साल यह है कि कभी कभार 1-2 दिन के लिए बंद करने का प्रावधान भी है हमारे पास, तो हम उसको बंद कर देते हैं, जिससे कि कोई भी अनहोनी घटना होने से बचे रहें। फूलों की घाटी राष्ट्रीय पार्क में तकरीबन 500 से 550 के बीच में रिकॉर्डेड फूलों की प्रजातियाँ पाई जाती हैं, जिसमें प्रमुख तरह से ब्लू पॉपी, जिसे हिमालय के क्वीन फ्लावर भी कहते हैं, उसके अलावा पोटेंटिला, प्रिमुला और एलियम हिमिले, मार्स मैरी गोल्ड, इसके अलावा भी काफ़ी सारी प्रजातियां वहां पर मई से और अक्टूबर के बीच तक खिलती हैं। और इस बार अभी हमारे स्टाफ द्वारा बताया गया है कि वहां पर एलियम हिमले, मार्स मैरी गोल्ड और पोटेंटिला और प्रिमुले की कुछ स्पीसीज की खिलने की स्थिति प्राप्त हुई है। टमोली से कमल लैन की रिपोर्ट।